नमस्कार दोस्तों, आज सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छोटे बच्चे के लिए ये बेबी बूट बनाएंगे। ये बूट 0 से 6 महीने के बच्चे के पैर में आराम से हो जाएगा। मैंने सिलाई में 35 फंदे डालने हैं, 35 स्टिचेस, और अब हमें आगे से और पीछे से दोनों तरफ से सिर्फ उल्टा उल्टा बिनना है। 8 लाइन तक हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। चूंकि मेरी डिज़ाइन पीछे की तरफ से बननी है, तो अब मैं यहाँ पे दूसरे रंग का ऊन लगा रही हूँ और अब मैं ये 3 डिज़ाइन बना लूँगी। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 फुल बन के तैयार हो गया है और अब इसकी लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर पूरी हो गई है। अब हम पीछे की साइड में हैं। अब क्या करेंगे कि एक फंदा उल्टा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर ऊन सिलाई में ऐसे चढ़ा के लाएंगे और 2 फंदों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बना लेंगे। फिर ऊन सिलाई में ऐसे चढ़ा के लाएंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। ये हमारा जाली बनना शुरू हो गया है। डोरी डालने के लिए ये बन रहा है। तो ऊन चढ़ा के लाएंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे। ऊन चढ़ा के लाएंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे। इसी तरह हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। इक्कीसवीं लाइन और सामने से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। देखिए ये डोरी डालने के लिए बनके तैयार हो गया है, छेद बनके तैयार हो गया है। तो सारे फंदे उल्टे बना लेंगे और अब अपने मेन कलर से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। हमने सिलाई में 35 फंदे डाले थे, तो अब हम 17 फंदे सीधे बुनेंगे। अठारहवें फंदे के दोनों तरफ हमें जाले डालना है, यानी जितने फंदे रहेंगे यहाँ पे हम 8 संख्या में फंदे लेंगे। जितने फंदे लेंगे उनको 2 हिस्से में बांटेंगे और बीच का एक फंदा जो अधिक है उसके दोनों तरफ जाले डालेंगे। सारे फंदे सारे फंदे सीधे बना लेंगे और बैक साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। 25वीं लाइन और सामने से 18 फंदा सीधा बुन लेंगे। फ्रेंड्स, इस फंदे के दोनों तरफ हमें जाले देना है। तो ऊन अपनी ओर करेंगे और जाले देते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। ऊन अपनी ओर करेंगे और जाले देते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे और शेष सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। फ्रेंड्स, ये दूसरी जाली पड़ गई। इसी तरह हमें 8 जाली तक बनाना है। तो मैं 8 जाली बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 8 जालियाँ बन के तैयार है और गुलाबी रंग के उनसे 16 लाइन बनाया जा चुका है। तो अब हम इस ऊन को काट देंगे क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और धागा थोड़ा लंबा रखेंगे क्योंकि ये सिलाई करने के काम आएगा। और अब हरे रंग के ऊन से सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे और 8 लाइन सभी फंदे उल्टे उल्टे ही बुने जाएंगे।
क्योंकि डिज़ाइन मेरा पीछे से बन रहा है, इसलिए ये मैं पीछे से शुरू कर रही हूँ। ये 8 लाइन उल्टा उल्टा बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, 7 लाइन कंप्लीट हो गया है और ये 8वां लाइन है। इस लाइन में हमें सारे फंदे उतार देने हैं, तो हम क्या करेंगे, उल्टा से बुनते जाएंगे और पीछे वाला फंदा या तो उतारते जाएंगे या फिर 2 फंदों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बना देंगे। ऐसे करके हम उतारते चले जाएंगे। मैं सारे फंदे उतार के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे फंदे उतार लिए हैं, पर अब इसको उल्टा किया जाएगा और यहाँ पे सिलाई किया जाएगा और यहाँ पे सिलाई किया जाएगा और यहाँ पे डोरी डाल दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, जूता तैयार है। यदि आपको मेरा बनाया हुआ जूता अच्छा लगा हो तो आप भी अपने बच्चे के लिए ऐसे बनाइए। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।